हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। सो फ्रेंड, आज किस वीडियो में आपसे मैं बात करने वाला हूं, अगर आप भी फेसबुक एप्लीकेशन यूज करते हैं, फेसबुक और आप भी अपना स्टोरी डालते हैं तो उस स्टोरी को हाईलाइट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आज की वीडियो में आपको मैं करके बताने वाला हूं। अगर आपका भी फेसबुक पर हाईलाइट का ऑप्शन नहीं देता है, आपका स्टोरी जो है हाईलाइट करने का ऑप्शन नहीं शो होता है, तो आपको यहाँ पर मैं शो करके बताना हूँ कि कैसे उस ऑप्शन को यहाँ पर ऐड करना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो फिर मैं तसाम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तसाम टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर आपको सबसे पहले फेसबुक को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो स्टोरी मैंने यहाँ पर लगाते हैं तो स्टोरी को हाईलाइट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको मैं करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको उस जो हाईलाइट का ऑप्शन जो देता है उसको ऐड करके बताने वाला हूँ। तो आपको अगर आपका भी शो नहीं कर रहा है आपके फेसबुक एप्लीकेशन में, अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आपको सबसे पहले ओपन करने के बाद थ्री लाइन पर ऊपर में दिया क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन देगा यहाँ पर एडिट पब्लिक डिटेल्स का, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फ्यूचर रेट का, देखिए यहाँ पर फ्यूचर का दिखाई दे रहा है। सिंपल सा आपको ऐसा आपको भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ट्राई लेट इट कर देता है, आपको ट्राई इट पर क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपको जितने गैलरी में फोटो होगा आपको शो कर दिया जाएगा। और इसके नीचे ठीक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कब कब आपने अपने फेसबुक स्टोरी में कौन कौन सी स्टोरी आपने डाला था, सभी का लिस्ट यहाँ पर शो हो चुका है। जितना भी आपने अभी तक स्टोरी डाला है, पुराना से पुराना स्टोरी, सभी का लिस्ट यहाँ पर शो हो चुका है। यहाँ से आपको जिसको जिसको सेलेक्ट करना है आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने जो जो स्टोरी मैंने अपना लगाया था सभी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल सा नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर आप भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो जो स्टोरी आपने अभी सेट किया यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपने अभी तक आपका हाईलाइट स्टोरी इतना सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही सेव पर आप क्लिक करेंगे तो यह आपका स्टोरी जो होगा हाईलाइट हो चुका है। अभी तक आपने जितना भी स्टोरी अगर फेसबुक पर डाला है थोड़ा देर में आपको हाईलाइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। अगर जब भी मैं देखिए मैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है कलेक्शन 11 ठोकल मैंने अभी कलेक्शन किया। अगर आपको जब भी आप फिर से स्टोरी लगाना चाहेंगे, हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर जो फ्यूचर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर यहाँ से भी आप आसानी से कोई भी स्टोरी आप आसानी से डाल सकते हैं। फिर से अपने गैलरी में जाकर आसानी से स्टोरी डाल सकते हैं तो आपका यह स्टोरी हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से नहीं डालना है तो यहाँ से आपको बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ से करना क्या होगा, अगर आप स्टोरी अपना डालते हैं तो पर यहाँ पर क्रिएट स्टोरी पर सिंपल सा क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपको जो भी स्टोरी यहाँ से आपको डालना है फिर से आपको उस पर क्लिक कर देना होगा, उस फोटो आप जो भी लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको शेयर कर देना है। जैसे शेयर करेंगे तो ये आपका स्टोरी जो होगा यहाँ से अपलोड होना शुरू हो जाएगा और अपलोड हो जाएगा। इसके बाद इस स्टोरी को आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ। इस पर जब भी क्लिक करेंगे स्टोरी चलने लगेगा, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद स्टोरी को हाइड करना है, जब क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से करना है क्या, हाईलाइट करना है तो सिंपल सा आपको फ्यूचर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ से सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्यूचर का ऑप्शन देगा, आपको फ्यूचर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि न्यू फ्यूचर कलेक्शन आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इसमें पब्लिश करना चाहते हैं तो आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से सेव पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से आपका ये जो है फेसबुक हाईलाइट हो चुका है, स्टोरी जो हाईलाइट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप भी अपने फेसबुक को स्टोरी को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर ऑप्शन नहीं देता होगा तो इस प्रकार से ऑप्शन आप सेट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे हाईलाइट का ऑप्शन। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी स्टोरी आप डालकर उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।